केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधायक बिल के विरोध में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली व बाइकों में सवार होकर केंद्र सरकार के इस बिल का जमकर विरोध किया और उप जिला अधिकारी विजय नाथ शुक्ला के माध्यम से एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को भेजा। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष दीवान कटारिया के नेतृत्व में एकत्रित किसानों ने ग्राम पिरोमदारा से ट्रैक्टर ट्रॉली व बाइकों में सवार होकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधायक बिल का जमकर विरोध किया। ग्रामीण क्षेत्रों से घूमता जुलूस तहसील प्रांगण में पहुंचा, जहां किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान संसद सत्र में जो 3 कृषि अध्यक्ष केंद्र सरकार ने पास किए हैं वे पूरी तरह किसान विरोधी हैं, जिसके विरोध में आज देश के किसान सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा है कि अध्यादेश के अनुसार किसान को उत्पाद किसी भी प्रदेश में बेचने की आजादी की बात कही है। भारत का 85% किसान मात्र अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन का मालिक है, ना ही उसके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है और ना ही साधन है। दूसरे प्रदेश में जमकर खरीदार ढूंढना और अपने माल बेचना उन किसानों के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा समाप्त होने से भी किसान को कोई लाभ नहीं होने वाला है। बड़ी कंपनी बड़ा भंडारण करेगी, बाद में महंगी दरों पर बेचेगी। अब इस पर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष दीवान कटारिया ने कहा है कि किसानों को केवल एक सूरत में लाभ हो सकता है कि एक बिल और पास किया जाए जिसमें MSP जारी रखने और किसानों का उत्पाद MSP से कम रेट पर कोई भी खरीदार उपज ना खरीद सके। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए उपयुक्त दंड का प्रमाण हो, जिससे किसान का शोषण ना हो। उन्होंने कहा कि उनकी 6 सूत्रीय मांगों को ध्यान में रखते हुए उक्त अध्यादेश को मंजूरी उक्त बिंदुओं को संशोधन के बाद ही दिया जाए। आज पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर है। जो किसान विधेयक केंद्र सरकार ने, BJP गवर्नमेंट ने बनाया है नया, वो किसान हितैषी नहीं, किसानों को ख़त्म करने वाला बिल है। जिस समय पर किसानों की फसल, धान की फसल पकी खड़ी है, खेतों में पड़ी है, उस समय पर ये बिल लागू किया गया, थोपा गया, जिससे कि किसान बहुत निराश है। पहले किसान देश में आत्महत्या करता चला आ रहा है। आज धानों की स्थिति यह है कि जो 1700-1800 रुपये तक पिछले साल धान बिक रहा था, इस समय वो धान 700-800-1000 रुपये से कम में धान कोई खरीदार फिर भी नहीं है। ये स्थिति देश के अंदर है, तो इसलिए हमने आज ये एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम, माननीय अपने SDM महोदय के उपजिलाधिकारी के मार्फत माध्यम से दिया है। और आगे भी अगर इसमें कोई ये निर्णय नहीं वापस सरकार लेती है तो किसान इसी प्रकार सड़कों पर उतरता रहेगा, अपनी लड़ाई लड़ेगा, भूख हड़ताल करेगा, जो होगा वो करेगा। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। देश विदेश की सनसनी खेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।